नशा नाश का द्वार होता है। ये बात सुनने में तो बहुत ही घिसी पिटी और पुरानी लगती है, लेकिन इस बात की सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। नशे की लत ने न जाने कितनी ही जिंदगियां, कितने ही परिवार तबाह कर दिए, लेकिन इससे अब भी कोई सबक लेता नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही एक मामले के चलते मध्य प्रदेश का महगांव विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। भिंड जिले के महगांव में नशे के लिए पैसे ना देना एक शख्स को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। नशे की लत के चलते एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। महगांव के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रहने वाले मुकेश पाराशर की विशाल उर्फ नंदिनी नाम के किन्नर के साथ दोस्ती थी। कल रात नंदिनी ने नशा करने के लिए मुकेश से पैसों की मांग की और मुकेश पाराशर ने पैसों की तंगी का हवाला देते हुए उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए किन्नर ने मुकेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने मुकेश को पहले तो लात घूंसों और डंडों से पीटा और फिर उसे दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरने से मुकेश का सिर फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रात करीबन 10:30 बजे की बात है। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे रिलायंस पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे पाराशर मार्केट है, वहाँ पे ये मृतक हैं मुकेश पाराशर। ये वहाँ निवास करते हैं। इनका एक पुराना दोस्त है, किन्नर है वो, वकील नंदिनी उर्फ वकील किन्नर। तो वो किन्नर ने आके उससे नशे के लिए पैसे मांगे, उसने मना किया तो उस पैसे उसने ऊपर से उसको धक्का देके लात देके नीचे तलघर पर उसकी सीढ़ियों पर उसको गिरा दिया और फिर डंडे से मारपीट भी करी और उसको चोटें पहुंचा के उसका मर्डर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि इस घटना से लोग सीख लेते हैं या फिर नशे से बर्बादी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।